कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे? हम भी ठीक हैं। सभी को राम राम। आज मैं मौसम बताऊं आपको तो बादल है, धूप काफ़ी है। कल बारिश हुई थी मगर आज बारिश हुई है, कल हुई थी और आज धूप है। थोड़ा मौसम फिर से वैसे ही गर्मी का हो गया, कोई बारिश का इतना असर हुआ नहीं। अभी बाहर बैठा हूँ मैं यहाँ पे। अभी हर घर जल थ्रू नल से जो स्कीम आई थी उसके थ्रू यहाँ पे ये नलका लगाया गया है। बहुत बड़ा ऊंचा लगाया है हमने कि खड़े होकर नहा लें यहाँ पे। साथ में ये सेब है ना यार, इस पे सेब लगे हैं, बांधे हुए हैं किसी से। क्या बांधा है दिखाता हूँ आपको। इसे खा लिए, पता नहीं किसी ने खाए हुए हैं। यहाँ पे बीन्स लगाई हुई है, ये घिया लगाया हुआ है। यहाँ पे हमने ड्रम वगैरह रखा है पानी का। मैं दिखाता हूँ यार, ये इस बार बड़ा, पहले इस पे लगे ही नहीं थे सेब। इस बंदी ने क्या किया है ना, उस वाली साइड घर की तरफ से छुप छुप के खा लिए सारे। एक दिन मम्मा पूछ रहे ये किसने खाया, हमने सोचा पक्षी ने खाया। भाई इधर एक पक्षी है, ये इस पक्षी ने कांड कर दिया सब। अगर मैंने बताया नहीं, देखो इस बार बहुत बढ़िया तरीके से इसमें फला हुआ है ये, और वो अभी भी लगी हुई है। हालांकि ये इतने खाने के काबिल नहीं हुए, लेकिन कहते हैं ना ये सबर नाम की चीज नहीं है, बड़े बड़े होने तक। देखो ये एग्रीकल्चर की तरफ से दिए गए थे और इनको काफ़ी साल हो गए, 10-15 साल हो गए लगाए हुए, मगर अभी फल दे रहा है। तो यहाँ पे लगे हुए हैं मीठे हैं, इसका याद पका हुआ है ना, बात नहीं कर सकती तो इसलिए सब गर्दन हिला रही है। और देख सकते हैं यहाँ पे खाली है यार, पक्षी गिरा दिया है सब कुछ इन्होंने। यहाँ पे घिया है, अभी मक्की इस बार देखें तो कितनी ख़राब हो गई है, कोई बढ़िया नहीं है। ये आगे वाली चाचा की है, इन्होंने गोडी भी कर ली है, हमने अभी करनी है। ये ऊपर आपको ड्रम दिख रहा है, यहाँ पे मिर्चा वगैरह लगाई हुई है। तो अभी हम जाएंगे मक्की की गोडी करने, आपको दिखाएंगे कैसे मक्की की गुड़ाई की जाती है। यहाँ पे यार अभी बारिशें हुई तो पूरा पानी लगने से ये इसमें बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग का सिस्टम बन गया है, ढल गया, नीचे धस गई ये ज़मीन जो है पानी लगने से। और ये व्यू है हमारे घर की साइड का। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत व्यू आता है। और ये जो घर के ऊपर जो हिल्स दिखाई दे रहे हैं, जो बीच में ये वाला टॉप जो है, यहाँ पे अभी हम लोग जो हैं इकट्ठा होके एक इसको खोरगली हिल स्टेशन दैरी जंगल बाबा संकबाल देव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम मेला ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 27-28 जुलाई को। अभी डेट जो है फिक्सेशन जो हमने की है, मगर उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है तो थ्रू ब्लॉग हम आपको बता देंगे। और ज़रूर से आप विज़िट करें दैरी जंगल के हिल स्टेशन का, आप ज़रूर से फ़ायदा उठाएँ। एक बहुत ही कूल प्लेस है, शांत है, काफ़ी धार्मिक स्थल है वहाँ पे। और जो भी हमारी पुरानी सभ्यता हैं उनको हम फिर से, जो लुप्त होती जा रही है दिन ब दिन बढ़ते माहौल जैसे जैसे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इस्तेमाल हो रही है, नया नया जैसे जैसे जनरेशन जो आ रही है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे गांव की खूबसूरत चीज़ें जो हैं, वो कल्चर जो है, वो संस्कृति जो है, वो क्या हो गया, लुप्त हो गई है। तो अभी हम चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काफ़ी जोर है कि भारत की संस्कृति और हमारे हर गांव की, हर स्टेट की एक अपना कल्चर होता है, एक अपना सिस्टम रीति रिवाज होता है, उसको री एस्टेब्लिश किया जाए और हमारे लोगों के अंदर एक ऐसा उत्साह जो है वो भरा जाए, एक ऐसा जोश उनके अंदर लाया जाए, ताकि जो भी हमारी चीज़ें पुरानी हैं जो लुप्त होने को जा रही हैं वो रिवाइव हो सकें। जैसे डोगरी, जम्मू कश्मीर का हमारा डोगरा ज़्यादा कल्चर है, तो डोगरा में कुड डांस आता है, गीतड़ू आते हैं, भाखें आती हैं, और भी जागरण वगैरह होते हैं। जो एक यहाँ पे बाबा देरी जंगल देवस्थान का जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या है कि एक यात्रा वगैरह करवाई जाती थी। पहले पहले लोग यात्राएं करवाते थे, वो कुड डांस की तरह होता था। तो गोलदारे में उधर लोग नाचते थे, खैर उसमें पूरी पूरी रात जो जाकर यात्रा वगैरह करवाई जाती थी, उधर रोटी वगैरह बांटी जाती थी, इस तरह के जग वगैरह होते थे। और
जो देवी देवताओं की असीम कृपा भी रहती थी, बारिशें वगैरह टाइमली सब चीज़ें होती थी। हम जैसे जैसे अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि इस धरती पे चीज़ें भी वैसे वैसे गायब हो रही हैं, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को मानना छोड़ दिया है, हमने अपने धर्म ग्रंथों को मानना छोड़ दिया है। हमें पता ही नहीं है धर्म ग्रंथ क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा सिस्टम क्या है। तो हम चाहते हैं कि अपने सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के माध्यम के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम अपने जो अनएक्सप्लोर बेस्ट एरिया हैं उसको पब्लिक कर सकें और एक अच्छे लेवल तक ले जा सकें, ताकि हमारे इलाके की जो कल्चर है, संस्कृति है, अलग अलग तरह की यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उनको हम रिवाइव कर सकें। और एक थ्रू मीडियम है हमारे पास सोशल मीडिया, जिसके थ्रू हम आप तक पहुँच सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच सकते हैं, अपने कल्चर को हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हमारे पास एक बड़ी लेवल की अपॉर्चुनिटी है, मगर है कि आप लोग सपोर्ट करें एक दूसरे की, गाँव की जो अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको हम ध्यान में ला सकें, अपने हर जगह की जो भी कहीं ना कहीं मंदिर है, देवता देवस्थान मंदिर जो होते हैं उनको सामने लाएं, एक टूरिस्ट स्पॉट करवाएं, वहाँ पे खेल कूद करवाया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो भी क्या रहता है कि एक जिज्ञासा रहती थी। पुराने टाइम में क्या होता था, लोगों को इतना नॉलेज तो नहीं था, नॉलेज था हमारे से उनको बेहतर नॉलेज था, मगर जैसे आज की जो गेमें हैं, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स या दिस टाइप ऑफ गेम्स कह सकते हैं कि गेम जो है वो उनको उनके ध्यान में या उस टाइम में नहीं इतना था, लेकिन उनके टाइम की जो गेम्स जैसे शिंज दंगल वगैरह होते थे काफ़ी इंटरेस्टिंग होते थे, पहलवान वगैरह अपने अखाड़े में प्रदर्शन वगैरह करते थे। तो हमने आजकल क्या किया है कि वो दंगल दंगल बुला दिए, खाड़े खुड़े में शिंजे शिंजे होती हैं, लेकिन हमारे इलाकों में बहुत कम, मतलब जिस सतह पे उस टाइम होती थी वो सतह पे आज नहीं होती हैं। हर कोई बिजी बिजी है लेकिन काम कुछ नहीं है, तो ऐसे है रातों को लोग ऐसे पुराने ज़माने में हमने भी सुना है, और थोड़ा थोड़ा हमें भी याद दिलाते थे पेरेंट्स के जो दादा दादी वगैरह होते थे, चाचू ताया, घर का पूरा माहौल एक कुटुंब कम फैमिली कहते हैं ना जिसे, तो वो एक पूरा सिस्टम था कि उसमें शाम को बुज़ुर्ग लोग बैठते थे और उसमें बच्चे भी शामिल होते थे, माता पिता भी। तो क्या किया जाता है, फलौनिए बोलते थे हम, हमारे डोगरी में फलौनिए देते हैं, यार फलौनिए देनी है आज रात, हम कुछ ऐसी कहानियाँ बताते थे, ऐसी ऐसी बातें जो मज़ेदार होती थी, इंटरेस्टिंग होती थी, सुनते थे हम, फिर ऐसी ऐसी बातें बताई जाती थी कहानी, जिससे हमें वो नॉलेज मिलता था। मगर आजकल के ज़माने में हमारे पास दादा दादी नहीं होंगे, क्योंकि हर बंदा अलग अलग रह रहा है, कोई कहीं कोई